Thank you for joining us. How are you and how are you dealing with quarantine and lockdown and stuff? I'm good. I'm happy aap se baat ho rahi hai. Hum to khair main aur meri family to self isolation mein bahut pehle chale gaye the. I live in UK. UK government ke elan se takriban 2 hafte pehle hi main lag gaya tha ki it's better ke ghar mein raha jaye kyunki aap news follow kar rahe hote all over the world what's going on. और मेरा ख्याल में आज के जमाने में आप बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पे आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो कहीं की भी गवर्नमेंट हो. मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं कह रही, कहीं की भी हो, क्योंकि सबके लिए एक नई चीज है. तो हम तो वैसे ही सेल्फ आइसोलेशन में यूके से 2 हफ्ते पहले ही चले गए थे. तो बस अब क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है. बट आई थिंक इस सेल्फ आइसोलेशन आपको एक मौका दे रहा है कि कौन सी चीजें आपके लिए वाकई में जिंदगी में अहमियत रखती है और कौन सी, इससे जरा आइडिया हो जाता है कि प्रायोरिटीज असली में क्या होती है. Are you telling me आप ARY का प्ले कर रही थी, वो डिले हुआ है? वैसे वही बात मैंने कहा ना कि सेल्फ आइसोलेशन से बहुत चीजों का अंदाजा हो जाता है. मैं इस साल मैंने सोचा था कि मैं जरा ज्यादा काम करूंगी और बहुत प्लान हो के चलूंगी, और बड़ा मैंने वो किया था कि मैंने आई साइन अ सीरियल फॉर ARY और मैंने जनवरी के एंड से फरवरी के एंड तक काम अपना कराया. फिर माय प्लान वाज कि मैं यूके में आकर मुझे काम करना था वो करूंगी, और फिर एंड ऑफ मार्च दोबारा पाकिस्तान आऊंगी और सीरियल मुकम्मल कराऊंगी. मगर सब उथल पुथल हो गया सब कुछ और बस अब घर बैठे. तो आधी मैंने वो सीरियल शूट करा दी है. अभी मेरी परसों ही बात हो रही थी प्रोड्यूसर से और जो कंटेंट हेड हैं कि भाई क्या होगा, हम में से किसी को नहीं पता क्या. तो आपने कंटेंट हेड की बात की तो मेरा आखिर में मेरा क्वेश्चन पूछने का इरादा था, मैं भी पूछ लेता हूँ. मैं पर्सनली ज्यादा फिल्म्स देखता हूँ, ड्रामा मेरे इतना ज्यादा मैं देखने का, बट मेरी क्योंकि आप घर पे ही हैं, मेरी वाइफ जो है वो आजकल काफी ड्रामे देख रही हैं, चलते फिरते नजर पड़ जाती है, कहानी पड़ जाती है कि सारे ड्रामों में दूसरी और तीसरी शादी की कहानी. आजकल हर I've counted like 5 plays और हर में यही होता है कि वो या दूसरी शादी हो रही होती है या तीसरी शादी हो रही होती है. कौन लोग हैं और कहाँ रह रहे हैं ये लोग, कौन है ये? देखिए आपने तो खुद ही कबूल लिया कि आपकी दीदी देखती है, ठीक है. तो आपने अभी बेगम से सवाल किया ये कि नहीं किया क्या के मैं क्यों देख रही हूँ, वो क्यों देख रही है मुझे नहीं समझ आया. हालांकि नेटफ्लिक्स है और अमेज़न प्राइम भी है, लेकिन वो देख रही है वो, तो मुझे तो नहीं समझ आया. मैं अगर अपनी बात करूं, ये मेरा काम है एक्टिंग करना टीवी पे. मुझे तो जहां से भी ऑफर आएगी, थिएटर से आएगी मैं वो कर लूंगी, रेडियो से आएगी वो कर लूंगी, फिल्म ड्रामा जहां से भी आएगी क्योंकि मैं एक्टर हूँ तो मैं तो कर लेती हूँ. और पिछले आई थिंक कुछ अरसे से मैंने भी ऐसे ड्रामे किए जिसमें वो 2-3 शादियां हो रही थी, ठीक है. अगर मेरे पास चॉइस हो तो मैं नहीं करूँ शायद, लेकिन मेरे पास चॉइस मुझे इंडस्ट्री में रहना है, मुझे करना. तो आप वो चाहे जस्ट शादियां हो रही हो, मुझे तो करना है अपना काम, मैं कुछ नहीं कर सकती. पर मगर अगर ज़ाती चॉइस की बात हो या मैं बात करूँ कि मैं क्या देखना चाहती हूँ, मैं ये सब ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं देखना चाहती. और बहुत अरसे से एक्चुअली मैंने देखा भी, आई थिंक आखिरी ड्रामा जो मैंने देखा था वो रांझा रांझा कर दी मैंने देखा था. इससे पहले मैंने आंगन देखा था. और नहीं, बुराई की बात नहीं है, पर्सनल चॉइस की बात है. मुझे नहीं पसंद घरेलू ड्रामे वैसे ही, जब की बात मुझे कभी भी नहीं पसंद है. मेरा काम है, मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं मेरा ख्याल में थोड़ा स्पेक्ट्रम अब ब्रॉड होना चाहिए स्क्रिप्ट का. यानी सिर्फ ड्राइंग रूम स्टोरीज आई नेवर लाइक देम. मे बी अगर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग नेटवर्क्स पे आएंगे तो हमारा शायद स्पेक्ट्रम थोड़ा ब्रॉड हो. अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं. मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी, कितने आई थिंक 2 साल तो हो गए बात होते हुए कि यूट्यूब कंटेंट बन रहा है और वेब सीरीज बन रही है, लेकिन जो भी वेब सीरीज आई अभी तक आपने भी देखी होंगी, बुरा हाल था ऑनेस्टली, आई वॉज नॉट एक्सपेक्ट. आप और मैंने, हम दोनों ने यकीनन कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह देखा हुआ. जो एक आई थी वो पता नहीं, या शायद मैं बहुत पुरानी अब यूनिवर्सिटी से निकल चुकी हूँ, मैंने तो ऐसी यूनिवर्सिटी अपनी अपने तजर्बे में नहीं देखी. शायद हो सकता है आपने देखी हो, अगर देखी तो बता दें.
मेरी भी ऐसी, मैंने पूरा तो नहीं देखा वो, मैंने ट्रेलर वगैरह और पासिंगली देखा था। मैंने दो पिस्ते देखी थी और मुझे बहुत मायूस थी हुई। उसमें किसी का कसूर, उसमें अदाकारों का तो बिल्कुल कसूर नहीं है। अदाकारों को तो बेचारों को बिल्कुल कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि उनको तो स्क्रिप्ट मिल रहा है, उन्होंने काम करना। जो लिख रहे हैं या जो तजवीज दे रहे हैं कि ऐसा लिखो, कसूर उनका है, उनके विजन का है। क्योंकि वेब पे ना हमें सेंसर का मसला था, बजट बजट मेरे ख्याल में सब एक साइड पर हो जाता है अगर आपका कॉन्टेंट प्रॉपर। यानी मैं अगर कोई अच्छी फिल्म या ड्रामा देखती हूँ तो मैं उसकी लाइटिंग और उसके कपड़े नहीं देखती, मेरा ध्यान सिर्फ अदाकारी और कंटेंट पे चला था। हम लोग अब अनफॉर्चुनेटली लाइटिंग, लोग उस पर बहुत ध्यान देते हैं और कंटेंट पे ध्यान नहीं देते। तो ये वेब पे भी जाकर मुझे तो अभी तक सो फार मायूसी हुई है, बट आई एम स्टिल वेरी होपफुल कि शायद कुछ हो जाए। अच्छा, मेरा आपका एक फेवरेट, मेरा पर्सनली आपका एक फेवरेट कैरेक्टर बेबी बाजी, उस पे बहुत उस पे चलते हैं। जब वो कैरेक्टर नबील कुरैशी या जिन आपसे आई गेस उन्होंने कांटेक्ट किया होगा, और पहले डू यू रिमेम्बर इन्होंने किस तरह से ये कैरेक्टर डिफाइन किया था आपके लिए और क्या बताया था आपको? मेरा नबील से बिल्कुल बातचीत नहीं थी। मैंने उनकी फिल्म देखी थी नामालूम अफरा सिनेमा जा, और मुझे वो फिल्म बहुत पसंद आई थी। और मैंने सोचा कि मैं कुछ अर्से से फिल्म करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा था कि अगर इस आदमी ने कभी मुझसे रब्ता किया तो मैं इसकी फिल्म जरूर कर लूंगी, बिकॉज मुझे पसंद है द वे ही में। तो मैंने घर आकर जो है अपनी स्टोरी नबील कुरैशी को भिजवाई थी फेसबुक के जरिए, और फिर मैं भूल गई। तो आप कर देते ना वो सदा कि आई थिंक दो साल बाद, दो तीन साल ही कॉन्टेक्टेड मी थ्रू फेसबुक, एंड आई थॉट कि कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे, आपकी एक्टिंग पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आई एम नॉट श्योर बिकॉज कैरेक्टर इज पंजाब। मैंने कहा मुझे भी अपनी एक्टिंग एबिलिटीज पे कोई शक नहीं है, बट आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट माई पंजाबी। So he sent me the script, I practiced it, and then he said कि आप मुझे record करके video भेज दें अगर आप mind ना करें, क्योंकि actors जो थोड़े established हो जाए वो audition देने से मतलब। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो खैर कोई इसमें शक नहीं है, आई थिंक एक्टर को बिल्कुल ऑडिशन दे देना चाहिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्टर्स ऑडिशन देते हैं, हमारे यहाँ ये ट्रेंड जरा कम है या ना होने के बराबर है। मैंने कहा हाँ, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है। So I recorded two scenes, they were very big scenes. आपने देखी है तो आपको पता होगा। मैं तो तीन चार दफा देखी है, तीन दफा तो सिनेमा में देखी है। तो वो दो जो मेजर सीन थे वो उन्होंने मुझे स्क्रिप्टेड भेजे और ने कहा ये मुझे रिकॉर्ड करके दे दे। So I practiced them, मैंने उनको रिकॉर्ड करके भेजे, and he said okay, हमने भी कहा okay, बस इस तरह हो गया। तो फिर उसके बहुत बाद हमारी ही वॉज विजिटिंग इंग्लैंड, तो हमारी मुलाकात हुई थी उनसे फिर लंदन में मेरी नबील फिजा से। बट उस वक्त तक ये तो तय हो गया कि मैं फिल्म उनकी कर रही हूँ। फिर मुंह दर मुंह बात जो होती है दीगर चीजों की वो बाद में हुई, लेकिन आई जस्ट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, इवन मैंने स्क्रिप्ट पूरा नहीं पढ़ा था, उन्होंने मुझे सिर्फ मेरे सीन पहले दिए थे, तो वो सीन्स पढ़ के मैंने सोच लिया था कि ओके ये तो करना है, फिल्म बाकी जैसी भी हो मुझे अपने सीन्स बहुत पसंद है, मैंने कहा दो साल पहले आपने उनको शो रील भेजा, दो साल बाद कोई कैरेक्टर आया तो उन्होंने, हाँ ये बड़ी बात है नबील की कि उसको याद रहा कि किसी ने उसको शो रील भेजी थी और उसे ज़हन में रखा। I think he has an amazing memory probably. Were you guys improvising on set, especially dialogues वगैरह में? Because एक मैं specific यहाँ से dialogue था कि मैं डायलॉग अभी लिखा हुआ, बट वर यू इम्प्रोवाइजिंग ऑन द सेट रिगार्डिंग डायलॉग्स और? हाँ होता था, असल में ज्यादा वो होता था उस वक्त डबिंग में ज्यादा, वी वर पर्टिकुलर, क्योंकि फिल्म में तो उस वक्त तो अगर आपका मुंह सही बैठ रहा है उन डायलॉग पे तो बस ठीक है,
असल टास्क होता है डबिंग में, तो यस ही वॉज वेरी पर्टिकुलर जब डबिंग हम कर रहे थे. आई एम वेरी थैंकफुल टू मोहसिन अब्बास हैदर, क्योंकि मैंने नबील को बता दिया था कि मेरी जबान नहीं है पंजाबी. आप जो कहेंगे मैं उसको पूरे लहजे में बोल तो दूंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी का की कू या एक्स्ट्रा लव्ज आया आई वॉन्ट बी एबल टू इट माई सेल्फ. तो फिर मोहसिन जो है दैट्स वेरी नाइस ऑफ हिम कि मेरे इतने भी डायलॉग थे फिल्म में वो सारे मोहसिन ने अपनी ऑडियो में भेजे थे. तो मोहसिन की ऑडियो फाइल्स मैंने सारी सुनी, क्योंकि उनकी पंजाबी और उनका फ्लो बहुत अच्छा, पंजाबी में फ्लो होना बहुत ज़रूरी होता है. तो फिर मैंने बेसिकली मोहसिन को कॉपी किया और दैट्स हाउ. अच्छा, एक एक जो पिवोटल सीन है जिसमें जो आपको वो बता रहे हैं कि आपके भाई साहब बता रहे हैं कि भाई मुझे लव मैरिज करनी है, वो बहुत ही एक लंबा सीन है और एक जो शुरू में थोड़ा कॉमिकल होता है फिर थोड़ा सा वो आगे जाके डार्क हो जाता है. आपकी क्या मेमोरी है उस सीन की? क्या आई थिंक इतना मैं वो मैंने शायद पहले तो रट्टा मारना होता है, यू नो, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि नबील माइट बी एक्सपेक्टिंग अ वन टेक. तो हम सबको अंदाजा था कि नबील को ये है शौक वन टेक करने का. तो और सबसे ज्यादा मेरा उसमें बोलना और उछल कूद, यू नो, जिसकी में बोलना भी बहुत हो और बहुत उछल कूद इधर उधर जाना हो वो एक्टर के लिए बहुत टफ होता है, क्योंकि आपको अपनी मूव्स भी याद रखनी होती हैं, डायलॉग भी याद रखने होते हैं, बहुत कुछ करना. और उस सीन में है बहुत कुछ. और वो फिर मैंने देखा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग के कुछ कटिंग बटिंग होगी, लेकिन फिर वो मैंने देखा जो कैमरा मैन जैकेट पहन के आया हुआ था, आई रियलाइज कि ये वो वाला आप करने वाला है जो कैमरा मैन आप जहाँ जाएंगे आपका आपको फॉलो करें. तो यू रियलाइज कि यू हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग नाउ, आप बच नहीं सकते. तो इट वॉज सपोज टू बी लाइक दिस, क्योंकि आप देखे ना कैरेक्टर के मसले थे शादी के एंड ऑल दैट. और शुरू में जो है वो लड़का अपनी शादी की बात कर रहा है, बट माँ तो वही बात कर रही थी कि जी बहन की शादी पहले वो. इट वॉज मेंट टू बी डार्क एंड आई डोंट नो, नबील ने मुझे कहा नहीं कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, बट वो I think I have a feeling they were not expecting it to be probably that loud. I was also not expecting it to be that loud by myself, but I think wo hone lagta hai. Yeah, like I, as an audience, I loved that scene. Like, I remember interviewing you and all the cast and director. They were very confident before the release of the film for obvious reasons. The content acha tha, but for some reason the results of the film were not that great. Baki do filmon ne thoda sa zyada kiya. When you look back now, do you think ke kuch kya kuch hum alag kar sakte the ya completely sirf us jo slots nahi milte the uska wo reason? Mera khayal hai film ko us time pe release nahi karna chahiye tha. Magar ye mera isme mera lekin rai ki koi haisiyat nahi hai kyunki main producer director nahi hu. Yeah, yeah. Lekin mera ye khayal hai कि अगर इस फिल्म को आप एक नॉर्मल टाइम पे रिलीज करते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि ऑलरेडी दो बड़ी फिल्में थी. तो फिर या तो बहुत सिनेमास होते ना तो सब लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, तो वो अब फिर वो धक्कम पेश शुरू हो. एंड ऑफकोर्स पाकिस्तान में कोई रेगुलेशन तो है नहीं कि किसको कितने शोज मिलने हैं, किसको कितने, यू नो, इट्स यू नो हाउ थिंग्स वर्क. तो आई थिंक उसको उस टाइम पे रिलीज नहीं होना चाहिए था, लेकिन आई रिमेम्बर मैंने फिर जैसे कहा भी था कि आप लोग क्यों रिलीज किया ईद पर, तो उनका ये कहना था कि ईद बहुत बड़ा इवेंट होता है फिल्म वालों के लिए. आई एम श्योर होता होगा, शी नोज हर बिजनेस, वो ज्यादा पता होगा, मैं तो बस एक्टर हूँ. तो उन्होंने कहा कि ईद पे सबसे ज्यादा लोग देखने आते हैं और गहमा गहमी होती है, तो ईद इज द बेस्ट. तो बस जो होना था हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में उसको ईद पे रिलीज ही होना. उसके बाद कोई आपको फिल्म की ऑफर या उस या सिर्फ अभी ड्रामा ही फोकस करिए?
नहीं मुझे उसके बाद दो फिल्म की ऑफर हुई लेकिन वो वही बात आ जाती है ना कि अब अगर मैं करूँ तो फिर मुझे पसंद आए. दिस इज अ प्रॉब्लम विद मी ऑलवेज. अगर मुझे सिर्फ पसंद आता है तो मैं करती हूँ, वरना मैं साल साल भर घर बैठी रहती हूँ एंड आई एम फाइन विद इट. मुझे मेरे कोई वो नहीं होता कि हाय हाय मेरी उम्र निकली जा रही है, मेरा करियर डूब जाएगा. इट नेवर हैपेंड टू मी एंड इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं होगा. तो इवन ये सीरियल भी मैं कोई एक साल बात कर रही हूँ फिल्म, तो आई जस्ट डिडंट लाइक दिस फिल्म, तो नहीं की अभी तक. ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम. ये मुझे शादी से पहले पूछना चाहिए था. ड्रामे तो नहीं देखती आपको. Well, I think अब वो असल में अब पसंद की बात वो यूजली एक टर्किश आई थिंक कोई सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, वो जो क्वारंटीन वगैरह सेल्फ आइसोलेशन से पहले वो देखती थी. अब जब से जब वो 24 घंटे घर पे ही है तो आई थिंक इससे वो बोर हो गई है, तो वो टीवी पे मुझे किसी तरह वो अवॉइड करना है क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ. थैंक यू. बाय बाय.